नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी डेवटूर्स पर, और हम पढ़ रहे हैं फोटोशॉप फॉर वेब डिजाइनिंग, वो भी बिल्कुल अपनी लैंग्वेज हिंदी में। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको वेबसाइट डिजाइन बनाने से पहले, अगर आप फोटोशॉप में वेबसाइट डिजाइन बनाना चाहते हैं, उससे पहले आपको फोटोशॉप को सेट करना होगा, सेटिंग करना होगा। कुछ सेटिंग होते हैं, उसको अगर आप करके काम करेंगे तो आपका काम जो है वो अच्छा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम फोटोशॉप ओपन करेंगे। मैं यहाँ पे ओपन करके हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम फाइल पे जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। अभी हम एक नया डॉक्यूमेंट बना रहे हैं बस सेटिंग करने के लिए, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। मैं इसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। फिर हम ओके पे क्लिक करेंगे। फिर जो यहाँ पे देखिए, ये जो इंटरफेस है ये इसेंशियल है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं कभी भी इसेंशियल पे काम नहीं करता। और कोई भी डिजाइनर, जो लोग थोड़ा सा एक्सपर्ट होते हैं, थोड़ा सा अच्छा डिजाइनर होते हैं, वो लोग इसेंशियल पे करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। वो अपना एक वर्क स्पेस बनाते हैं, और यहाँ पे मैं आपको वही बताऊंगा कि अपने लिए आप कैसे अपना वर्क स्पेस बना पाए, और यहाँ पे मैं कैसे बनाता हूँ अपने लिए, वो बना के दिखाऊंगा, ताकि आपको समझने में आसानी होगा, ताकि आप अपने हिसाब से अपना वर्क स्पेस बनाए। क्योंकि देखिये, सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग है, सोचने का तरीका अलग है, इसलिए कोई एक यहाँ पे सही गलत नहीं है। मैं जो दिखा रहा हूँ वो पत्थर का लकीर लिखा हुआ नहीं है कि आपको वही करना है। आप देखें और तरीका सीखें और अपने लिए एक कॉन्सेप्ट बनाएं। तो सबसे पहले मैं जब भी काम करता हूँ तो मैं इसेंशियल पे नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा रूलर है, देखिए यहाँ पे रूलर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप इसेंशियल पे नॉर्मल रहेंगे तो यहाँ पे रूलर दिखाई नहीं देता। और मैं जब भी वेब के लिए काम करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा रूलर दिखाई दे। उसके लिए एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप व्यू में जाके, ठीक है, यहाँ पे रूलर्स लिखा हुआ है, उसे क्लिक करेंगे तो रूलर आ जाएगा। या फिर आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, ठीक है, और अगर मैक है तो कमांड आर प्रेस करेंगे आपका, तो फिर आपका आ जाएगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ फिर से मैं आपको दिखाने के लिए, इसको मैं कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हूँ, देखिए रूलर गायब हो गया। और एक बार मैं कंट्रोल आर करूंगा तो रूलर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आप देख रहे हैं ये जो रूलर है, यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो ये आपको इंचेस में दिखा रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे इसे पिक्सल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे पिक्सल नहीं करता हूँ, इसे रहने देता हूँ, ठीक है। ये पहला सेट हो गया, नंबर वन। मैं चाहता हूँ कि मेरा रूलर जो है वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए दो पैनल आपको, छोटा मिनी पैनल दिखाई दे रहा है। ये पहला वाला आपको दिखाई दे रहा है हिस्ट्री के लिए है, और दूसरा प्रॉपर्टी के लिए है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे और दो चार हो, जैसे कि मुझे इन्फो पैनल चाहिए, तो उसके लिए मैं विंडोज पे जाऊंगा और यहाँ पे देखिए इन्फो लिखा हुआ है, मैं इन्फो ऑन कर दूंगा। तो इन्फो पैनल यहाँ पे रखने से एक फायदा होता है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट में मूव करेंगे, देखिए आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ आपको आरजीबी वैल्यू और सीएमवाई के वो भी दिखाई दे रहा है, और विथ और हाइट भी आपको दिखाई देगा। इसलिए इन्फो पैनल बहुत अच्छा है, और साथ में यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑप्शन भी दिया हुआ है। मुझे जब भी मैं काम करता हूँ तो ये बहुत जरूरी होता है। अगर आपको भी इस टाइप का अगर जरूरी हो तो आप इसको जरूर रखें यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि विंडो में जाके मैं जो कैरेक्टर पैनल है वो ऑन करूंगा। ये कैरेक्टर पैनल में फायदा ये होता है कि आप जो भी टेक्स्ट लेंगे उसको मॉडिफाई करने के लिए बहुत आसान होता है, और इसमें पैराग्राफ ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। कैरेक्टर और पैराग्राफ, ये वाला हो गया। और एक मैं चाहता हूँ कि विंडोज में जाके मैं यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल बोल के एक है, देखिए यहाँ पे देखिए पैराग्राफ स्टाइल, मैं चाहता हूँ कि ये भी ओपन रहे। पैराग्राफ स्टाइल क्या काम में आता है ये आगे में चल के आप जानेंगे, कि जब हम एक वेब लेआउट बनाएंगे तो उसमें हेडिंग के लिए टेक्स्ट का जितना भी हम इस्तेमाल करेंगे, हेडिंग हो, सब हेडिंग हो या पैराग्राफ हो, उसके लिए स्टाइल हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल है और यहाँ पे कैरेक्टर स्टाइल भी है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं काम करता हूँ तो इतना कुछ इस साइड में ये ओपन रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही है। यहाँ पे जो बाकी देख रहे हैं आप कलर और उसके बाद में स्वाचेस, ये ठीक है। और नीचे ये एडजस्टमेंट है, ये इतना काम तो नहीं देता है, लेकिन मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ। बाकी यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टाइल, ये कभी कभी काम आता है इसलिए यहीं पे है। बाकी लेयर पैनल तो हमें चाहिए इसलिए ऐसे ही रहेगा, बाकी ये सब ठीक है। और इसके साथ साथ मैं छोटा सा यहाँ पे चेंजेस करता हूँ। एडिट में जाके आपको प्रिफ्रेंस में जाना होगा, और प्रिफ्रेंस के बाद में आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपको यूनिट एंड रूलर्स दिखाई देगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मेरा डबल डिस्प्ले होने के कारण ये जो डायलॉग बॉक्स है दूसरे पे खुल गया, मैं उसे ड्रैग करके ले आता हूँ, ठीक है। ये रहा, देखिए ये वाला खुलेगा, मैं डबल डिस्प्ले इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए दूसरे विंडो पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा रूलर जो है इंचेस में दिखा रहा है, आपको यहाँ पे चेंज करके पिक्सल में करना है, बस इतना ही हो गया, बाकी सब ओके है। मैं यहाँ पे इसे ओके करूंगा और ये मेरा वर्क स्पेस बिल्कुल सेटअप हो गया। अब मैं इसे सेव करूंगा, तो यहाँ पे इसेंशियल पे आप
क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पे देखिए न्यू वर्कस्पेस बोल के लिखा है, आपको क्लिक करना है और यहाँ पे उसका नाम देना है। तो मैं जब भी इसे काम करता हूँ मैं अपने नाम पे रखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा एडवर्ड, ठीक है, वेब, क्योंकि ये मैं वेब के लिए कर रहा हूँ, और उसके बाद में वर्क, ठीक है। आप चाहे तो आपका नाम के हिसाब से वेब डिजाइन या फिर वेब वर्क जो भी रखना चाहते हैं, मैं एडवर्ड वेब वर्क बोल के एक बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसे सेव कर दूंगा। तो देखिए अब मेरा खुल गया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से एसेंशियल में शिफ्ट हो सकता हूँ, ठीक है। और अभी एसेंशियल और मैंने जो सेट किया है वो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे एडवर्ड वेब वर्क, ये दोनों सेम लग रहा है, लेकिन आप अगर जाएंगे एसेंशियल में और मैं एसेंशियल को अगर रिसेट कर दूंगा, देखिए यहाँ पे रिसेट करने के लिए दिया है, अगर मैं रिसेट कर दूंगा देखिए अब एसेंशियल अलग दिखाई दे रहा है, जो भी मैंने चेंजेस किया था वो चेंज हो चुका है। और जब मैं यहाँ से चेंज करके अपना वाला जो वर्क स्पेस है वहां पे जाऊंगा तो देखिए ये मुझे अलग दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप अपने लिए एक वर्क स्पेस सेट कर सकते हैं। तो ये हमने वर्क स्पेस तो सेट कर दिया, अब देखते हैं कि वेब डिजाइन काम के लिए हम एक नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाएं। ये जो हमने डॉक्यूमेंट तो सैंपल के लिए बनाया था, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि जब मैं कोई वेबसाइट का डिजाइन बनाने के लिए फोटोशॉप में स्टार्ट करता हूँ तो कैसे एक पेज लेता हूँ, एक डॉक्यूमेंट लेता हूँ। सबसे पहले मैं फाइल में जाता हूँ और न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे उसका नाम, जो भी मेरा साइट का नाम हो, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं सैंपल साइट, मैं उसका नाम लिख देता हूँ, ठीक है, सैंपल साइट नाम दे दिया। उसके बाद में यहाँ पे आप प्रीसेट देख रहे हैं, मैं कभी भी प्रीसेट का इस्तेमाल नहीं करता। आप कर सकते हैं, आपका मर्जी है, आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, आपका फोटोशॉप है, लेकिन मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करता। मैं इसे मैक्सिमम, इसे मैं कस्टम इस्तेमाल करता हूँ ताकि मैं अपने हिसाब से अपना साइज दो, हमेशा ये दोनों में पिक्सल में रखता हूँ। और विथ जो है आजकल के टाइम पे रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए मिनिमम में 1280 तक ही ठीक है। और ये हाइट जो है ये डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए अगर आप सिंगल पेज वेबसाइट बना रहे हैं तो बहुत लंबा होता है, तो यहाँ पे मान के चलिए जैसे 2000, ठीक है, या फिर 5000, 3000 आपके वेबसाइट के लंबाई के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे कलर मोड जो है मैं RGB ही रखता हूँ, 8 bit, ठीक है, पिक्सल पर इंच ये भी ठीक है, और उसके बाद में ये जो कलर प्रोफाइल है ये सब भी बिल्कुल ओके है, ठीक है। और आप चाहें तो ये जो प्रीसेट है आप जब भी काम करेंगे उसे यहाँ पे सेव प्रीसेट कर सकते हैं और आप उसका एक नाम दे सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं इसका टेस्ट, या फिर आप इसे चाहे तो ये वेब डिजाइन के लिए है तो इसलिए मैं इसे वेब डिजाइन कर देता हूँ ताकि ये प्रीसेट मैं बाद में भी यूज कर पाऊंगा। अब मैं इसे ओके कर दूंगा तो देखिए कस्टम के नीचे यहाँ पे वेब डिजाइन दिखाई देगा, जब भी मैं वेब डिजाइन सिलेक्ट करूंगा ये मुझे दिखाई देगा, लेकिन मैं कभी प्रीसेट नहीं बनाता, मैं कस्टम का ही इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये जो हाइट है वेबसाइट का जो हाइट है वो डिफाइंड होके नहीं रहता है, इसलिए मैं ज़्यादातर कस्टम पे जाता हूँ और जितना भी मेरा विड्थ मैक्सिमम ये 1280 ही रहता है, और हो सके तो मैं उससे ज़्यादा कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस दिखाई दे ताकि थोड़ा डिजाइन अच्छा लगे। और उसके बाद में आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है और आपका ये पेज खुल जाएगा, देखिए, और यहाँ पे आप बाकी का काम कर सकते हैं। तो ये रहा, हमने आज फोटोशॉप को सेटिंग भी कर लिया, नया डॉक्यूमेंट भी बनाना सीख लिया। अगले एपिसोड में मैं आपको वायर फ्रेमिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि देखिए फोटोशॉप ओपन करने के बाद में तुरंत आप वेबसाइट डिजाइन का काम शुरू ना करें, क्योंकि अगर ऐसा डिजाइन करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा आपका जो परफेक्ट साइट डिजाइन तक पहुंचने के लिए, उससे पहले वायर फ्रेमिंग किया जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको वायर फ्रेमिंग के बारे में बताऊंगा। उम्मीद है आपको हमारा ये ट्यूटोरियल सीरीज बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन को जरूर हिट करें, इस वीडियो को शेयर करें। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों।